हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रिया GKGS पर। जैसा कि दोस्तों आज 11 जुलाई है, आज 11 जुलाई के दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का SSC MTS हवलदार का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका हो चुका है। तो दोस्तों आज 11 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के GKGS के दोस्तों सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है या PDF चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसने इस इलाके में मुगल समाज की नींव रखी थी। उन्हें पाली राइयों में से एक थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजेता दोस्तों आपका बाबर था। इसके बाद दोस्तों मुगल समाज का स्थापना किया था 1526 ईस्वी में बाबर ने, जिसमें दोस्तों आपका बाबर बारूद अग्निशस्त्र मैदानी तोपखाने के लड़ाई में शामिल किया गया था, जिससे कि दोस्तों आपका बाबर जीत गया था। अगला दोस्तों कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका भारत में पड़ता है। तो भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। अगला दोस्तों कि IPL खेल का शुरुआत कब किया गया था। तो बात करें दोस्तों IPL का, तो IPL जो प्रीमियर लीग है, IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वो दोस्तों आज से 16 साल का हो गया। इस लीग की शुरुआत दोस्तों 2008 ईस्वी में किया गया था और इसका पहला मैच दोस्तों 18 अप्रैल को खेला गया था। 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को खेला गया था। अगला दोस्तों कि पंजाब के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों कौन हैं। तो दोस्तों पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों भगवत मान सिंह हैं, जो कि दोस्तों आपका आप पार्टी से आपका ताल्लुकात रखते हैं आप, जो कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अगला दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली आपको लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि दोस्तों सुसाइडर बैग के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों कि सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है, ये प्रश्न आया था। सोनल मानसिंह दोस्तों आपका ओडिशी नृत्यांगना है, जो कि दोस्तों आपका उनका जन्म 30 अप्रैल 1944 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। और इसी के अतिरिक्त भरतनाट्यम कुचिपुड़ी छऊ नृत्य से भी जुड़ी हुई है। भरतनाट्यम सोनल मानसिंह की एक प्रमुख शास्त्रीय नर्तक हैं, जो कि भरतनाट्यम उड़ीसी में माहिर है। तो आपका ऑप्शन और इसी था दोस्तों, जो कि आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि BRO की स्थापना कब की गई थी। तो BRO जो कि दोस्तों भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास का रखरखाव करता है। अब यह भारत का सशस्त्र बलों में से एक हिस्सा है। इसकी स्थापना दोस्तों 7 मई 1907 ईस्वी में की गई थी। तो आपका सही आंसर दोस्तों 7 मई 1907 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि सुचिता कृपलानी के बारे में प्रश्न। तो दोस्तों इससे रिलेटेड देख लेते हैं फैक्ट को। सुचिता कृपलानी जो कि दोस्तों एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। अगला दोस्तों कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि दोस्तों भारत से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ये दोस्तों जो आपका श्रीलंका है वह दोस्तों आपका भारत से ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू है दोस्तों, जिसे पाक जलडमरू कहा जाता है। वो दोस्तों भारत और श्रीलंका को आपका विभाजित करता है। अमीबा के बारे में प्रश्न दोस्तों कि अमीबा कैसे बढ़ता है। तो इससे इसका तो ऑप्शन दोस्तों मुझे करेक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अमीबा के बारे में जान लेते हैं। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा कहा जाता है। अत्यंत सरल प्रकार का एक परजीव प्रोटोजोआ है, जिसकी अधिकांश जातियां नदी तालाबों मीठे पानी झीलों पोखरों पानी गड्ढों आदि में पाई जाती है। कुछ संबंधित जातियाँ महत्वपूर्ण परजीवी है जो और रोगकारी भी है। ये अमीबा के बारे में दोस्तों आपका कुछ फैक्ट था। अगला दोस्तों की पहली महिला जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, भारतीय शायद पूछा था आपका, तो भारतीय कांग्रेस महिला जो सो हो जाएगा जो कि आपका कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली थी, तो वो दोस्तों आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों पहली पुस्ता भारतीय नहीं ओवरऑल, तो आपका दोस्तों एनिवेशन आपका पहली महिला हो जाता, जो कि दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी और भारतीय दोस्तों सरोजिनी नायडू। कुछ फैक्ट्स को देखें तो दोस्तों कांग्रेस के 1889 मद्रास अधिवेशन में दोस्तों आपका जो ये आपका कांदवनी जी हैं वो दोस्तों आपका कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला बनी थी। 1906 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में अध्यक्षता की थी दोस्तों आपका कांदवनी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंडित हरिश्चंद्र हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है।
इसका जो संबंध है दोस्तों आपका ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं जो जो कि दोस्तों उनका जन्म है आपका 1 जुलाई 1938 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दोस्तों 1992 ईस्वी में और पद्म विभूषण आपका 2000 ईस्वी में दिया गया था। अगला है दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों 2001 की बात करें 2001 नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पूछा था तो भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं की में काफ़ी अंतर है। जहाँ पुरुष की साक्षरता दर आपका 82.1 है वहीं पर महिलाओं की इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी की कमी है। तो दोस्तों आपका 65.46% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि संसद का जो सत्र है वो कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों आपका दिया गया था प्रश्नकाल ये शून्यकाल ये सब दिया गया था आपका तो देख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ फैक्ट्स को। तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र अधिवेशन होते हैं अतः बजट मानसून और शीतकालीन। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन के 2 अधिवेशन में विभाजित कर दिया जाता है। इन अधिवेशनों के बीच 3-4 सप्ताह का अवकाश होता है। तो इसका जो आंसर दोस्तों हमें नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका ऑप्शन क्या था और आंसर क्या होगा। अगला दोस्तों की प्रधानमंत्री जो अन्न वितरण योजना है वो कब तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका तो दोस्तों आपका सही आंसर दोस्तों आपका सितंबर 2022 तक दोस्तों आपका ये प्रधानमंत्री जो अन्न वितरण योजना है उसको आपको बढ़ा दिया गया है। शुरुआत में दोस्तों ये योजना शुरू किया गया था अप्रैल 2020 की अवधि के लिए लेकिन दोस्तों ये बढ़ा फिर 30 नवंबर 2021 और 21 मार्च 2022 तक अब दोस्तों सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला दोस्तों कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे दोस्तों आपका सभापति होता है। वर्तमान में दोस्तों बात करें तो आपका वेंकैया नायडू जी दोस्तों आपका राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों भी हैं। अमीबा कैसे बढ़ता है दोस्तों। तो प्रजनन के पहले अमीबा गोलाकार हो जाता है। इसका केंद्रक 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है फिर जीवरस भी बीच में खिसक कर बढ़ जाता है। इस प्रकार अमीबा के विभाजन द्वारा छोटे अमीबा बन जाते हैं। संपूर्ण क्रिया घंटे से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है। अगला दोस्तों की पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी ये दोस्तों आपका सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में भी हो गया है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। अगर कोई भी प्रश्न अगर दोस्तों छूट गया है तो दोस्तों उसे आप कमेंट करके बता दीजिए उसे दोस्तों ऑल शिफ्ट के वीडियो में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है। तो दोस्तों और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद।